Gora kat samra. Ya. Microphone testing. Kobi, Kobi, mera dil mein. हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, फिर से स्वागत है मेरा एक और नया ब्लॉग पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, थोड़ी देर पहले सुबह हुआ था और हम लोग फाइनली सभी लोग जो है हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिया है सभी लोगों ने। तो अभी ना यहाँ का जो मौसम है काफ़ी बहुत ही अच्छा है, पूरा एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है और शायद ना यहाँ पर और बारिश भी होने वाला है। और पापा तो पता नहीं कहाँ चला गया है, मम्मी भी पता नहीं कहाँ चला गया है, मैं ही अभी यहाँ पे अकेले हूँ। तो अभी का जो टाइम है ना 7 ऐसा लगभग बज रहा है। तो अभी जो है ना दुकान वगैरह कुछ भी नहीं खुलेगा और दिल्ली बाज़ार भी नहीं खुलेगा। तो आज मैं लेके आऊँगी चिकन बयाखा स्टाइल, आज मैं लेके आने वाली हूँ चिकन और फिर उसको हम लोग बनाएंगे और खाएँगे बढ़िया से। और हम लोग ना अभी ट्रैक्टर मारने वाले हैं पूरा सुबह सुबह, वहाँ पे पापा चला गया था और मुझे अभी अभी बुलाया है, मुझे पता भी नहीं था। तो मतलब टाइम देखना पड़ता है ना, टाइम देखना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू किया है और कहाँ तक होगा और उसके हिसाब से पैसे वगैरह देते हैं, मतलब घंटा या मिनट के हिसाब से। ट्रैक्टर मारिंग घूमने आ गया सुबह सुबह एकदम, ट्रैक्टर मार रहा है ना अभी। हाँ, ओ अभी मम्मी भी यहाँ पे आ चुकी है और कब आ गया मुझे भी पता नहीं है। आ गया। क्या हो गया, हंस रहे? जाने भी नहीं सक रहा है, वापस घूरना पड़ रहे हैं। यहाँ पे ना पूरा इतना बड़ा बड़ा साग खाता है, मेरा चप्पल में घुसने से ख़त्म होना था पूरा। और दोस्तों यहाँ पे ना फिलहाल अभी बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आप पानी का बूंदे गिर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग का जो प्लास्टिक है ना, इसे पूरा लंबा करके गड़ी करके रखा गया है, शायद इसमें पता नहीं कुछ रखा गया होगा, बीन्स वगैरह, क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे धूप वगैरह देने से सुखाते हैं। और दोस्तों ये है बड़ा बड़ा सा पत्ता, जो कि इससे जो है ट्रेडिशनल वाला हाउस बनता है हम लोग का। किचन में हम लोग ऐसा वाला पत्ता से बनाया था, इसे कहते हैं फार्म लिप, और हम लोग का जो लोकल लैंग्वेज से कहते हैं हम लोग तालपत्ता कहते हैं। अगर आप लोग जानते हो तो इसे आप लोग का लैंग्वेज से बताना आप लोग क्या कहते हैं। है इसे जो है छत बनता है। तो हम लोग का जो घर है ना, तो ये जो है पत्ता से बना हुआ है ऊपर का छाट ना, ऐसा अगर आप लोग को देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में या फिर नॉर्थ ईस्ट में, ऐसे ही घर बनता है। यहाँ पे जो है पत्ता से घर बनाते हैं लोग, और ज़्यादातर ना बम्बू से ही बनाते हैं यहाँ पे लोग। मतलब गांव के एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा पत्ता से घर वगैरह बनाते हैं, वो 5-6 ईयर्स का बाद जो है चेंज करना पड़ता है। अगर चेंज नहीं करेंगे ना हम लोग, तो जो पत्ता होता है ना वो बहुत ही ख़राब होता है, मतलब और ख़राब होता है। और जब बारिश आता है तो पूरा बारिश के बूंदे ऊपर से गिरते हैं। और दोस्तों आज हम लोग इसका सब्जी बना के खाने वाले हैं। तो काफ़ी बहुत ही अजीब बात है, जिस पत्ता से हम लोग घर बनाते हैं वही हम लोग आज सब्जी बना के खाने वाले हैं। मतलब पत्ता को नहीं खाएंगे, उसका अंदर का मांस को खाएंगे हम लोग। जैसे कि आप लोग इसका अंदर में देख रहे हो ना, यहाँ पे ऐसे करके उसका धंधा होता है ना, इसका हम लोग अंदर का मांस को खाएंगे। आज तो मैं चिकन लेने के लिए जाने वाला था लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है ना इतना ज़्यादा बारिश होने वाला है आज को, और मुझे भी ऊपर से पूरा जल्दी खाना बनाना पड़ेगा। और ऊपर से जो है पूरा बारिश बूंदे गिर रहे टोंग 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 करके, मतलब इतना भी नहीं तरह तरह, आप लोग ही खुद देख लो, क्या पता कब क्या हो जाए। बड़ा बड़ा सा गुरुंग गुरुंग करने से ख़त्म है, बिजली चमकने से ख़त्म है। और हम तुमको क्या हो रहा है? हाँ अकेला हो गया, खलवा तो वहाँ पर है जहाँ पर ट्रैक्टर मार रहे हैं। और यहाँ पे जो है काफ़ी बहुत सारे फार्म लीफ है, तो यहाँ पे जो है पहले मैं काट के रख दिया था। ये जो घर है ना इसको नया से रिपेयरिंग किया था, तब जो है ये ऊपर से निकाला था लोगों ने, इसलिए ना नहीं जलाया है, क्योंकि हम लोग जो है जब हम लोग वो अदरक का खेती करेगा तब इस वहाँ पे जो है इसे फेंक देंगे विटामिन के लिए। और दोस्तों ये रहा हम लोग का, यहाँ पे है पूरा ऑर्गेनिक वाला इलायची का पौधा, यहाँ पे छोटा सा बस एक ही पौधा है हम लोग का पास। पूरा हम लोग का घर का पीछे में है ये जो इलायची का है, पता नहीं इसको किसे निकालेगा और मैंने तो कभी भी नहीं निकालाया है। तो जब भी हम लोग इलायची वगैरह निकालते हैं ना, वो पापा ही निकालते हैं हमेशा इलायची। वाओ यहाँ पर देखो, और इलायची वगैरह है,
मैं अभी तो तोड़ के दिखता हूँ इलायची। ओ ये देखो इलायची मैंने खराब ही कर दिया। देखो इस तरह से होता है ऑर्गेनिक वाला इलायची ही। तो हम लोग घर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे है सिगली, यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बस्ता के ऊपर में बैठ गया है। अभी तो ये पूरा अंधेरा है, फिर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो पाम लीफ का जो फेड़ होता है ना, कुछ इस तरह से होता है, जो नीचे से पूरा ऐसे ऊपर तक होता है, पत्ता जो है ऐसे काट के वहाँ ऊपर तक जाता है। इससे भी हम लोग कुछ दिन में काट देंगे जब ये बड़ा हो जाएगा तब। पूरा एकदम खतरनाक है ये जो पाम लीफ का जो पत्ता वगैरह। अभी तक वहाँ से नहीं आए हैं घर पे वो लोग, अभी तो शायद चक्कर मार के हो गया होगा। तो मेरे लिए तो कोई भी कैमरामैन नहीं है गाइस, और मैंने अभी तक जो है ना ट्राइपॉड भी नहीं लिया है, मुझे एक तो ऑर्डर करना पड़ेगा। इसलिए ना दोस्तों आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि एक ट्राइपॉड लेने के लिए, हाँ मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही तकलीफ होता है फ़ोन कोई एक जन पकड़ते रहना। ऐसे तो ट्राइपॉड होने से तो पूरा ज़रूरत नहीं पड़ता है ना कैमरामैन के लिए, इस तरह तकलीफ होता है और वेट करना पड़ता है हम लोग कब आएगा बोल के, तभी कैमरामैन पकड़ने के लिए होता है। पापा लोग खेत में जाएगा क्योंकि वो कद्दू का जो सीज है उसको लगाने मिलेगा। यहाँ हवा ढाल रहा है यहाँ पे। मेरा प्लान फेल, सब कुछ चिकन लेने जाने वाली थी वो भी प्लान हाँ, फेल हो गया, क्या करूँगी। अभी और तो वो थाल पताका खाने के लिए बोला था वो भी, कोई भी नहीं और इधर भी जरूर जाना है। हाँ ठीक है जाओ हाँ। अगर बारिश आएगा तो मिट्टी पूरा थान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इसी ले जाओ ठीक हाँ। है मम्मी लोग भी यहाँ पे अभी बैठ रहे हैं और अभी जाएगा तो यहाँ पे और अंकल जी आया है, पापा का छोटा सा भाई, प्यारा सा भाई। थमूल खा रहा है थमूल सुपारी। और पापा भी जाएगा अभी खेत में, ये लगाएगा लाव गुटी। हाँ लाव गुटी लगाएगा। आप लोग भी साथ दिया है, फिर साथ देंगे मैं आशा करता हूँ। हाँ बाय बाय थाता है, अच्छा से जाओ। हाँ बाय बाय अंकल, बाय बाय। हाँ और फाइनली हम लोग जो है ना खाना बना सब खा के कंप्लीट हो चुका है, और मैं अभी यहाँ पे आई हूँ मेरा यूकेलेले के साथ। मैं हम लोग गाने का ट्राई कर रही हूँ, और ना मुझे बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मुझे ठीक से बजाना नहीं आता है। हाँ उड़ाओ कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं आता है, सभी लोग तो मजाक ही उड़ाएंगे ना, मैं बुरा नहीं मानती उसको, नहीं आता तो नहीं आता बोलेंगे ना। और दोस्तों मेरा जो हेयर है ना मैंने फाइनली काट दिया है आगे का, लेकिन मैंने आपको नहीं दिखाया है वीडियो में। और मैंने यहाँ पे एक तो दाव लिया है, तो हम लोग जो है काटने के लिए जाएंगे, और मम्मी जो है यहाँ पे आग जलाएगा, और ये बोला है वो लाने के लिए माचिस, तो हमने ला दिया है। ये लो बारिश आने वाला हो गया, ऐसे रहने का था। हाँ जलाने से ठीक है ना। अदरक का किसी सीजन आ रहा है ना। हाँ वही बहुत बढ़िया से जल रहा है। तो ये जो फार्म लीप का जो पेड़ है ना काफ़ी बहुत ही पूरा स्ट्रॉन्ग थगड़ा है, इसलिए मैं इसे नहीं काटूँगी, तो पापा जो है काटने वाला है, तो यहाँ पे ये आया है काटने के लिए। तो हम लोग ना उस साइड का नहीं काटेंगे, तो ये वाला काटने वाला है, क्योंकि यहाँ में दो तो पूरा जमा जमा कर गया है ना, इसलिए जब इसको हम लोग एक तो सफा करेंगे तो पूरा आराम हो जाएगा इसको। ये गर्म का नज़दीक में है, ये देखो इतना सारा पूरा खट्टा है इसमें। हो जाएगा तो ऊपर में फाटा नीचे में खाता। देखिए दिन से इसको खाएंगे, खा के गिराएंगे, ऑपरेशन करके बाहर निकालेंगे, अंधार है माल आज खाएंगे। बहुत बढ़िया डायलॉग है पापा का। तो पापा बोला है ना इसका अंदर में माल है और हम लोग को वो माल खाएंगे। बस ये बच्चा है गाइस आज हम लोग खाने वाला है। वाओ बहुत ही पूरा खतरनाक है, डेंजरस वाला पेड़ है ये, और हम लोग खाने वाला है इसका सब्जी। इसको खच्चा खच्चा भी खा सकता है। तो
इतना ज़्यादा झगड़ा होता है पूरा, इसलिए टाइम लग रहा है। और बना सकते हैं इससे, जरूर निकालेंगे। ये ना तीन प्रकार का खाम आता है, इससे ये जो जाले जाले है ना इससे जाड़ो भी बना सकता है, और उसके बाद से इससे खा भी सकता है, और घर के लिए भी छठ बना सकते हैं। बढ़िया है ना? हाँ बढ़िया। बहुत ही पूरा टाइम लग रहा है। फाइनली टूट गया है, इसको भी ले लो, जाड़ो बनाओ और छोटा हो जाएगा ना, चूल्हा के लिए चाहिए ना, मिक्स करने से बड़ा होगा। तो ये है दाऊ का बैग, दाऊ का बैग है ये, तो इसे जो है यहाँ पे चलेगा थोड़ा बढ़िया से। तो फाइनली काट के हो चुका है पूरा, 5-6 किलो का हो जाएगा, इतना ज्यादा भारी है। यो हो, यहाँ पे देखो ये जंगली वाला जारू, गोरा का सम्रा। तो किसे जारू बनता है? ऐसे 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 चमड़ा। फाइनली बन गया पूरा सुंदर से, ऐसा ऐसा करते करते ये दारू जैसा होता है। और यहाँ पे जो है फाइनली खाद के हो रहा है गोरा का चमड़ा का जैसा पूरा बिल्कुल। यहाँ से जो है हम लोग को काफ़ी बहुत सारे पूरा ऑर्गेनिक वाला जारू मिल गया है। हमें ना यहाँ से पूरा तीन तो ऑर्गेनिक वाला जारू मिला है गाइस। वाओ, लोकल वाला जारू। अभी हम ट्राई करने वाला है गाइस इसे, तो इसे जो है यहाँ से थोड़ा है अभी अभी खाता है, तो मैं थोड़ा टेस्टिंग करके देखता हूँ गाइस पूरा। 3 इतना मीठा है। तो यहाँ पे पापा भी खा रहे, देखने से कच्चा खाने से बहुत अच्छा। वाओ, फाइनली पूरा चिल के हो चुका है, इसे खाने वाला है पूरा। ये इतना गाना भी गा सकता है करके। ये तो ये है फार्म 3। तो आज हम जो है इसका हेलो कोरोना बना के खाने वाला है माइक। हेलो माइक पर टेस्टिंग। माइक्रोफोन फास्टिंग। खोबी खोबी मेरा दिल में आया ले आता है, देश को भी तुमको बनाया गया है मेरे लिए। इतना ही सुंदर होएगा ना। तो आज हम लोग इसका सब्जी बना के खाने वाले हैं, इसको बहुत ही बड़ी गाँव से हम लोग गाभी कैसे खाने वाले गाभी का। तो चलो इसको रख देते हैं पटापट से हम लोग। यहाँ पे फाइनली जो है ऊपर में आ चुका है, तो झाड़ू को अंदर में रख देना पड़ेगा। और ये है घोड़ा का चमड़ा जैसा पूरा बिल्कुल। और यहाँ में जल रहा है आग, तो और गाइस मैंने कल का वीडियो को ख़त्म नहीं किया था कल रात को, क्योंकि ना मैं दुकान मार्केट में गई थी, वो लोकल दिल्ली बाज़ार में मार्केट में गई थी ना, वो चिकन लाया था मैंने, उसके बाद मैंने ड्राई फिश भी लाया था बहुत सारा। हे भगवान, बिल्ली तो मुझे वीडियो बनाने दे रहा पूरा म्याओ 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 कर रहे। तो मैंने चिकन वगैरह लाया था गाइस। तो आज का वीडियो को हम लोग बस इतना ही ख़त्म करते हैं, और मैं नया वीडियो को शुरू करूँगी गाइस पत से, और वहाँ से। और मैंने आपको कल को खाने वाला को नहीं दिखाया है,
फैमिली का जो पेड़ था ना कल को हम लोग जो थोड़ा था उसका हम लोग सब्जी नहीं बनाया है क्योंकि हम लोग और अलग सब्जी बनाया था और मैं भी घर पे नहीं था और काफ़ी रात हो गया था ना, मैं घर पे आ गई थी क्योंकि हम चिकन लेने गया था और मतलब वीडियो वगैरह बनाने के बाद मैं वहाँ में मार्केट में गई थी इसलिए लेट हो गया। और मैं वहाँ पर गई थी ना तो तब तो मम्मी ने पूरा खाना बना के रख दिया था और उसके बाद से और दिखाया ही नहीं है कैसे बनाया कैसा नहीं है, आज को बनाया शायद वो तो गाइस बाय बाय। और आप सभी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों को मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो और मुझे काफ़ी इतना ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत 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 शुक्रिया गाइस। मैं आपका कैसे शुक्र गुजारूँ पता नहीं पर तो किसा और दोस्तों आई होप कि आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे आगे भी मुझे जैसे अभी सपोर्ट कर रहे हो और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हो कि मैं यहाँ से हूँ वहाँ से हूँ बोल के तो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल और एडवांस गुड नाइट सभी को। यहाँ पे देखो बारिश होने वाला है और बाय बाय।